हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास आई एम अमिता लेक्चरर बायोलॉजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिंदरगंज राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला स्टूडेंट्स चैप्टर इलेवंथ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे आज पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में फिर हम पढ़ेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड लास्ट में हम करेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस तीनों टॉपिक्स ही बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इन ऑल ऑफ दिस थ्री टॉपिक्स सो स्टूडेंट्स बी फोकस्ड हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपीरेशन स्टूडेंट्स यू माइट बी फेमिलियर विद दिस डाइग्राम हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इस डायग्राम को डिस्कस किया था ये क्या है इंटरनल व्यू ऑफ लीफ

कि वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ रहा है सो जब वाटर का लॉस होता है थ्रू दीज स्टोमेटा, वाटर इन द वेपर फॉर्म्स उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन सो वट इज ट्रांसपीरेशन हाउ कैन वी डिफाइन ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ठीक है मेनली थ्रू लीव्स ठीक है हमने एवेपोरेटिव क्यों बोला क्योंकि वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने गटेशन किया था गटेशन में हमने देखा था कि लिक्विड फॉर्म में वाटर बाहर निकल रहा था सो इन केस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और ये जो ट्रांसपीरेशन है ये स्टोमेटा के थ्रू होती है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है इंस्टोमेटा के थ्रू एंड स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम नॉर्मली दे आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट अब देखो ये ओपन स्टोमेटा है हमने ओपन क्यों बोला क्योंकि जो पोर है स्टोमैटल पोर है इट इज़ ओपन तो स्टोमेटा आर ओपन यहाँ पर आपको ये ओपनिंग क्लोज दिखाई दे रही है तो दीज आर क्लोज्ड स्टोमैटा कैसे ओपन होते हैं कैसे क्लोज होते हैं ये भी इनका एक मैकेनिज्म है वी विल सी लेकिन उससे पहले हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जो स्टोमेटल ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं आप देख रहे हो कि स्टोमेटल ओपनिंग के अराउंड स्पेशल दो सेल्स हैं दीज आर गार्ड सेल्स इनको गार्ड सेल्स कहते हैं क्योंकि इस ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं ठीक है दे आर बीन शेप्ड इनकी एक और ख़ास बात है इनकी जो आउटर वॉल है वो थिन वॉल्ड है और इनर वॉल ये जो आप डार्क ग्रीन कलर देख रहे हो दैट इज़ थिक वॉल गार्ड सेल्स की आउटर वॉल थिन है इनर वॉल थिक है इसके अलावा गार्ड सेल्स में वैक्यूल भी होता है गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी है और गार्ड सेल्स में रेडियली अरेंज सेलुलोज थिकनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रस ये भी स्टोमेटल ओपनिंग को एड करती हैं हेल्प करती हैं ओपनिंग के लिए स्टोमेट जो पोर है वो माइक्रोफाइब्रिल्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सेलर्स के बने हुए वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स को एक शेप भी देते हैं सराउंडिंग द गार्ड सेल्स दीज आर एपिडर्मल सेल्स ठीक है और जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे टर्जिट मीन कि जब उनमें वाटर होगा तो इनर वॉल्स हैं जो और आउटर वॉल्स हैं जो उनकी शेप चेंज हो जाती है कैसे होएगी अब आप देख रहे हो कि जब ये टर्जिड होंगे तो इनकी जो थिन वॉल्ड हैं आउटर साइड पे वो बल्ज आउट हो जाएंगे ऐसे कन्वेक्स शेप हो जाएगी उनकी क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा थिन वो हैं इलास्टिक है ये बाहर को बल्ज आउट करेंगी और जो इनर थिक वॉल्स हैं उनकी शेप भी चेंज हो जाएगी वो क्रीसेंट शेप बन जाएंगी तो इस तरह से स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाएगी और जब गार्ड सेल्स फ्लैक्सिड होंगे तो वो श्रिंक कर जाएंगे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे तो स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाएगी ठीक है सो so, टर्जिडिटी है जो गार्ड सेल्स की दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड फ्लैक्सिडिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं अब अगर हम मोनोगोड्स की बात करें तो मोनोगोड्स में जो गार्ड सेल्स हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं आप देख रहे हो ये शेप डंबल शेप है और क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो मैकेनिज्म है वो सेम है जस्ट शेप का डिफरेंट है और इनकी लोकेशन का डिफरेंट है ग्रासेस की अगर हम बात करें मोनोकॉट्स हैं तो उनमें आइसोबाइलेट्रल लीफ है तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में इक्वल नंबर ऑफ ऑलमोस्ट स्टोमेटा होते हैं जबकि डाइकॉट्स में हमने देखा कि गार्ड सेल की जो शेप है वो बीन शेप्ड है और डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं डाइकॉट्स में और उनमें लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा का नंबर है जो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अपर एपिटर्मिस् ओके ये आप देख रहे हो कि कैसे वाटर बार इवेपोरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी थ्रू दीज स्टोमैटल ओपनिंग्स क्लियर स्टूडेंट्स तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है अब हमने जो डायग्रामेटिकली समझा है उसको हम लाइन बाय लाइन रिपीट करते हैं रीड करते हैं सो द इमीजिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ए चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी से गार्ड सेल्स की शेप चेंज होगी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स टूवॉर्ड्स द पोर और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक हमने देखा था कि ये जो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं डाइकोट की अगर हम बात करें तो इनर जो लेयर है इनकी टुवर्ड्स दिस स्टोमैटल ओपनिंग वो थिक है और जो आउटर है वो क्या है थिन है क्लियर सो ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज ऑल्सो एडिड स्टोमा यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर की बात कर रहा है ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स ये जो हमारे गार्ड सेल्स हैं दो ठीक है इनमें रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स हैं नॉट लॉन्गिट्यूडनली रेडियली अरेंज्ड हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर वेंटरजिडिटी इनक्रीज द टू गार्ड सेल्स फ्लैंकिंग फ्लैंकिंग मीन्स कि दोनों गार्ड uh, सेल्स ने स्टोमेटल अपर्चर को कवर किया हुआ है द थिन आउटर वॉल्स बल्जिज आउट एंड द इनर वॉल्स चेंजेज इन टू क्रीसेंट शेप वेन द गार्ड सेल लूज टर्गर जब उनमें टर्जिडिटी कम हो जाएगी तो इनर एज वेल एज आउटर वॉल रिगेन देअर औरिजिनल शेप गार्ड सेल्स बिकम फ्लैक्सिड एंड द स्टोमा क्लोजिज स्टोमैटल अपर्चर क्लोजिस इस तरह से स्टोमैटा ओपन एंड क्लोज होते हैं ठीक है नाउ वी विल सी वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरीशन ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाई सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होगा ठीक है तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी लाइट ज़्यादा होगी तो भी ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपरेशन कम होगी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें जो प्लांट के अंदर फैक्टर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा अब ये तो क्लियर है कि अगर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे ओपन होंगे तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा ओपन होंगे उतनी ट्रांसपरेशन रेट हाई होगा लाइट ज़्यादा होगी ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज़ बनेगा तो गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होगी उनमें ऑस्मोसिस हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट ठीक है अगर पानी की कमी है तो नीचे से रूट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो एक्सेस वाटर लॉस होगा कैनोपी कैनोपी का क्या मतलब होता है बच्चों कि सपोज़ हमारे पास ये शॉर्ट प्लांट है ठीक है और इसके ऊपर बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इन प्लांट्स ने ये छोटू से प्लांट को कवर किया हुआ है तो इनके ऊपर एक कैनोपी बन गई ये कैनोपी क्या है ट्रांसपीरेशन रेट को कम करते देगी ठीक है सो so, कैनोपी स्ट्रक्चर जो है वो भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ओके नाउ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसपीरेशन इज़ ए नेसेसरी एविल एविल मींस होता है बैड ट्रांसपीरेशन एक प्लांट्स के लिए हम बोल सकते हैं कि वाटर का लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है नहीं होना चाहिए लेकिन जरूरी है वाटर का लॉस होना क्यों क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन होगी वाटर का लॉस होगा तो प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट आएगा टेन डिग्री सेंटीग्रेड से लेके फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है ट्रांसपीरेशन से एंड दिस कूलिंग इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट ठीक है सेकेंड क्या होता है कि अगर ट्रांसपिरेशन होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगी और ऑक्सीजन बाहर आ पाएगी अगर स्टोमेटा ही ओपन नहीं होंगे ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी सो so, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ है ठीक है थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि जो ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है आप देख रहे हो इससे मिनरल आयंस का अपटेक होता है ठीक है ट्रांसप्रेशन होगी तो ट्रांसप्रेशन पुल बनेगा ट्रांसप्रेशन पुल बनेगा तो पानी के साथ साथ जाइलम में मिनरल्स भी जो है उनका भी ट्रांसपोर्ट होगा तो हम पढ़ते हैं कि अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कैसे होता है चलो हम हम यही देख लेते हैं अपटेक अलग चीज़ है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है अपटेक फर्स्ट स्टेप है अपटेक का मतलब कि सॉयल में से ये जो रूट्स हैं ये मिनरल्स का अपटेक करेंगी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी अब देखो ये इतने सारे मिनरल्स हैं सॉयल्स में ठीक है और हो सकता है कि रूट्स में इससे भी ज़्यादा मिनरल्स ऑलरेडी हों तो मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक्टिवली एब्ज़ॉर्ब होते हैं यानी कि एटीपी रिक्वायर होता है क्योंकि मिनरल्स जो आयंस हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो जो लिपिड बाई है उसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकल नहीं पाते हैं। हमें ए टी की आवश्यकता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की जब मिनरल्स की एक्टिव एबजॉर्पन हो गई रूट्स ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया तो अल्टीमेटली हमने कहाँ पे लेके जाना है इसको रूट्स के ज़ाइलम तक पहुँचाना है हमने जब रूट्स के ज़ाइलम से पहुँचने से पहले इनके ऊपर एक कंट्रोल पॉइंट है एंडोडर्मिस का डायग्राम इन लार्ज करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि ये जो मिनरल्स हैं ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करके यहां तक जाइलम तक जाएंगे ठीक है अब एंडोडर्मिस डिपेंड करता है कि कौन से मिनरल्स को वो अंदर जाने देगी ये यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है एंडोडर्मिस में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं कि कौन से मिनरल्स अंदर चाहिए कितने अंदर चाहिए तो एंडोडर्मिस कंट्रोल करती है उसके बाद ही जाइलम में एंटर कर पाते हैं मिनरल्स एक बार जाइलम में एंटर हो गए मिनरल्स अलॉन्ग विद द वॉटर फिर तो वो ट्रांसपिरेशन पुल से प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुँच जाएंगे ठीक है सो so स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमने डायग्रामेटिकली क्या समझा ऑल द मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब कुछ मिनरल्स होते हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन जो मिनरल्स सॉयल्स में होते हैं वो मोस्टली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्बर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सेल इज़ यूजली लोअर दैन द कंसनट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द रूट्स अब उनको लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाना है तो ए टी पी की रिक्वायरमेंट है सो मिनरल्स विल एंटर द रूट बाई एक्टिव एब्जॉर्बशन विद द हेल्प ऑफ ए टी पी ठीक है ए टी पी चाहिए उनको ओके okay? अब उसके बाद एंडोडर्मिस बैठी है एंडोडर्मिस कंट्रोल करेगी कि आप एब्जॉर्ब होके तो आ गए हो लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगी कौन से मिनरल्स को मैंने अंदर लेके जाना है तो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं एंडोडर्मल में लेयर्स में ठीक है जो क्वालिटी एडजस्ट करती है टाइप एडजस्ट करती है कि कौन से टाइप्स के जो है जैलम तक पहुँच सकते हैं और हमें पता है कि कैसपेरियन स्ट्रिप्स होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ सुब्रेन ठीक है तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इनका और एक ही डायरेक्शन में होगा मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होगा ओके okay. अब आफ्टर द द जाइलम एक बार जाइलम में पहुंच गए देन दे विल बी कैरिड थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम या ट्रांसपिरेशन पुल अब आप देख रहे हो कि रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब किए ट्रांसपिरेशन पुल बना अब ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से ये इनकी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अभी तक हमने पढ़ा अपटेक अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इतना तो हम समझ गए कि ट्रांसपिरेशन पुल से ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है अब हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ये सॉयल है सॉयल से मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो चुका है अब मिनरल्स कहाँ जाएंगे फाइन एंड तक जाएंगे ठीक है एपिकल मेरिस्टेम को भी चाहिए मिनरल्स फ्रूट को भी मिनरल्स चाहिए ठीक है लीव्स को भी मिनरल्स चाहिए तो फाइन एंडिंग्स तक पहुँच जाएंगे वेन की एंडिंग्स तक ठीक है क्योंकि इनको फ्रूट में प्रोटीन्स बनने हैं शुगर बननी है तो मिनरल्स तो चाहिए और जो लीव्स क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं जो लीव्स की सैनीसेंस हो जाती है सपोज ये लीव्स है जो ड्राई हो गए मेच्योर लीव्स हैं जो डेड होने स्टार्ट हो गए तो इनके जो मिनरल्स होंगे दे विल बी मोबिलाइज टू द यंगर लीव्स अब कौन से मिनरल आय्स हैं जो मोबाइल हो सकते हैं हमने मिनरल न्यूट्रीशन में किया है जैसे नाइट्रोजन है फास्फोरस है सल्फ़र है ये क्या हो सकते हैं मोबाइल है ठीक है ठीके? लेकिन जो मोबाइल नहीं है इमोबाइल हैं जो जैसे हम कैल्शियम की बात करें वो तो मूव नहीं हो सकता ठीक है तो वो लीव जब नीचे गिरेगा सॉयल में तो उसकी डिकम्पोजिशन होएगी कैल्शियम क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो वो सॉयल में ह्यूमस में मिक्स हो जाएगा और फिर दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग एंड रीअबज़ॉर्बशन स्टार्ट हो जाएगी सो so, इस तरह से मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ओके okay? अब अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन वेन एंडिंग्स हमने देखा कि मिनरल्स का अपलोड हुआ उनका ट्रांसप्रेशन पुल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लेके आ रहे हैं लोड हो के आ रहे हैं अब उनकी अनलोडिंग होएगी अनलोडिंग कहाँ पे होएगी अब ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट जैसे एपिकल लिटल मेरीस्टेम को मिनरल आइंस चाहिए यंग लीव्स को चाहिए डिवेलपिंग फ्लावर्स को चाहिए फ्रूट्स को चाहिए सीड्स को चाहिए स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उन सबको को मिनरल आइंस चाहिए तो वहाँ वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनकी अनलोडिंग हो जाएगी इवन जो रीमोबिलाइज हो सकते हैं वो भी रिमोबिलाइज होकर पहुँच जाएंगे अब जैसे ओल्डर डाइंग लीव्स हैं जो एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल्स कंटेंट टू द यंगर लीव्स आपने कभी देखा होगा हमने पॉट में प्लांट लगाया हो तो जब कई बार प्लांट जो है वो चल नहीं पाता तो उसके जो ओल्डर लीव्स हैं वो येलो हो रहे होते हैं लेकिन जो यंगर लीव्स हैं वो अभी भी ग्रीन होते हैं क्योंकि ओल्डर लीव्स ने अपना मिनरल कंटेंट जो जो मोबाइल था वो उन्होंने यंगर लीव्स तक पहुंचा दिया सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयंस ठीक है मच ऑफ इट इज़ कैरिड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स प्रोटीन्स बनने हैं नाइट्रोजन से जाइलम एंड फ्लोएम में भी आपस में ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम का जो कंटेंट है वाटर प्लस मिनरल वो फ्लोएम में जाएगा फ्लोएम के जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं वो जाइलम में भी आ सकते हैं पहले ऐसे थ्योरी थी कि जाइलम में सिर्फ इनऑर्गेनिक होता है लेकिन बाद में जब जाइलम में से वो जो एक्सोडेशन हमने की थी ब्लीडिंग की थी तो उसको जब एनालाइज किया गया तो उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मिले ठीक है सो जाइलम एंड फ्लोएम में भी ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का ओके okay. अब हम करते हैं कि फ्लोएम में जब फूड बन चुका है उस फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा अब हम करेंगे अपटेक ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इसके लिए मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इज द बेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इस थ्यूरी ने ये समझाया कि कैसे जो फूड बना है लीव्स में वो फ्लोएम के थ्रू उसका कैसे डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है ये जो थ्योरी थी ये साइंटिस्ट थे मंच उन्होंने 1930 में प्रेशर फ्लो एंड मा और मास फ्लो थ्योरी थी अब इस थ्योरी में क्या है कि ये हमारा लीफ है ये हमारा सोर्स है यहाँ पे फूड बना ग्लूकोज की फॉर्म में हमें पता है ग्लूकोज़ की फॉर्म में फूड बनता है सुक्रोज़ की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है ठीक है अब यहाँ पे जब फूड बना तो उसने फ्लोएम के पास जाना है कंपेनियन सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम में जाएगा फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स हैं उनके थ्रू मूवमेंट होगी इसकी ठीक है फिर सिंक में जाएगा रूट को चाहिए फूड तो ये रूट है हम सपोज ये रूट है सिंक है जहाँ पे फूड को जाना है उसको वहाँ पे एनर्जी चाहिए तो इस तरह से प्रेशर बनता है सीव ट्यूब्स में ठीक है अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रेशर क्यों बोला क्योंकि जब सोर्स से सुक्रोस जाएगी सुक्रोस इज फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस तो यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा इसलिए हमने इसको प्रेशर फ्लो बन बोल दिया मास फ्लो क्यों बोला क्योंकि बल्क में फूड जो है अलोंग विद वाटर मूव कर रहा है क्लियर तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होगा लोडिंग ऑफ शुगर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं इनटू द फ्लोएम बाय कंपेनियन सेल्स यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है ये कि सोर्स लीव्स जहाँ पे फूड बना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू कंपेनियन सेल्स जो न्यूक्लियेटेड होते हैं और यहाँ पे एटीपी लगेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एक तो आपको ये समझना है कि जब कंपेनियन सेल में फूड होए आएगा तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी ठीक है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ओके फूड हमारा कंपेनियन सेल को क्रॉस करके सीव ट्यूब में पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ सुक्रस सेकंड स्टेप में क्या होगा कॉजिज हाई कंसनट्रेशन और हाइपरटोनिक ऑफ द सल्यूट्स इन द फ्लोएम अब इसका क्या मतलब है देखो यहाँ से सुक्रॉस कंपेनियन सेल को क्रॉस करके सीव सेल्स में आ गई अब यहाँ पे सुक्रोस सल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई ठीक है यहाँ पे सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया हाइपरटोनिक हो गया क्लियर सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया कि कंसेंट्रेशन है जो सीव ट्यूब में इंक्रीज हो गई सल्यूट की तो हाइपरटोनिक कंडीशन जो है क्रिएट हो गई थर्ड स्टेप में क्या हुआ वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम टू द बाय ऑस्मोसिस अब यहाँ पे जब हाइपरटोनिक कंडीशन हुई तो फ्रॉम द सराउंडिंग जाइलम वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन पानी इधर मूव कर गया पानी क्या कर गया मूव कर गया जब पानी मूव कर गया तो अब आप बताओ यहाँ पे कंसनट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया फोर्थ स्टेप में क्या होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है राइज कर गया इन द फ्लोएम यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया क्लियर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ फिफ्थ स्टेप में दिस क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट विद द हायर प्रेशर बीइंग एट द सोर्स अब यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा है तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है कम है यहाँ पे अभी प्रेशर क्या है कम है ऊपर क्या है ज़्यादा है ठीक है तो इससे क्या होगा जो हमारा यहाँ पे सैप था वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा वाटर फ्लोज डाउन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक हमने रूट को सिंक लिया कि यहाँ तक फूड को हमने लेके आना है फ्लोइम सैप को लेके आना है ठीक है तो प्रेशर से नीचे आ रहा है फ्लोइम सैप यहाँ पे फिर इसको इस तरफ जाना है अपने सिंक के पास रूट को फूड चाहिए वहाँ जाना है यहाँ पे फिर कंपेनियन सेल है ठीक है कंपेनियन सेल में जाएगा यहाँ पे फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी फिर ए की रिक्वायरमेंट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन से सिंक तक जाएगा फूड क्लियर अब जब सिंक तक फूड गया तो यहाँ पे फूड पहुँच गया इसके अंदर यहाँ पे सल्यूट का अमाउंट फिर कम हो गया क्योंकि सारा सेल्यूट सारी शुगर सारा फूड तो इधर ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई वाटर विल मूव अगेन टू द जाइलम ठीक है अभी हम पढ़ते हैं क्या लिखे है हमने सेवंथ पॉइंट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक सिंक में चले गए ठीक है फर्दर हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे फिर क्या हो गया एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ठीक है यहाँ से फिर ऑस्मोसिस होगी वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू तो दिस साइड क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई क्योंकि सुक्रोज इसमें से निकल गई एट्थ में क्या कह रहा है वो कि मास फ्लो कैन बी रिवर्स्ड अब यहाँ पे सिंक में से वापस भी जा सकता है फूड इन अनदर डायरेक्शन इसलिए हमने बोला कि फ्लो फूड इज बाई डायरेक्शनल. यहाँ पे फूड है लेकिन फूड किसी प्लांट के और पार्ट को चाहिए ठीक है तो वहाँ से फूड मूव कर सकता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है फूड ग्रोइंग रीजन्स को चाहिए हो सकता है रूट से जब जर्मिनेट कर रहा है प्लांट तो ऊपर वाले पार्ट्स में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी सो मास फ्लो कैन बी रिवर्स्ड और वी कैन से कि जो फूड की डायरेक्शन है फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ओके स्टूडेंट्स अब कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है डायरेक्शनल है उसको हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव कर सकते हैं हम एक ब्रांच लेंगे ठीक है हरी भरी ट्री की एक ब्रांच लेंगे ठीक है सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से हम ऐसे राउंड बाक है बहुत केयरफुली रिमूव कर देंगे फ्लोएम तक रिमूव करना है हमें ज़ाइलम नहीं रिमूव करना क्लियर जब हमने बाक रिमूव कर दी अलोंग विद द फ्लोएम आफ्टर फ्यू डेज़ हम क्या देखेंगे कि जो ऊपर वाली साइट है उसमें स्वेलिंग हो गई स्वेलिंग क्यों हो गई क्योंकि यहाँ पे फूड कमोलेट हो गया फूड जो है उसकी मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है लेकिन नीचे नहीं आ पाया वो क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोएम को कट कर दिया तो सारा फूड यहाँ पे इकट्ठा हो गया स्मूलन रीजन्स अबव द गर्डल क्योंकि गर्डल के पॉइंट पे हमने फ्लोएम को अलोंग विद द बाक रिमूव कर दिया तो ये प्रूफ करता है कि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फूड की क्लियर स्टूडेंट्स सो दिस इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट

विंड स्पीड डी क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स हमने कौन से पढ़े हैं फैक्टर्स ए भी इफेक्ट करेगा बी भी इफेक्ट करेगा सी भी इफेक्ट करेगा डी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा ठीक है सो क्रैक्ट आंसर इज डी सेकेंड क्वेश्चन द लोअर सर्फेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमैटा इन डोरसीमेंट्रल लीफ आइसोबाइलेट्रल लीफ बोथ ए एंड बी और ऑफ किसमें जो है लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कौन से लीफ में डोर्सी वेंट्रल लीफ डाइकॉट्स में जो होते हैं उनमें लोअर सरफेस पे देर आर मोर स्टोमैटा एज कंपेयर टू तो अपर सरफेस सो करेक्ट आंसर इज ए थर्ड क्वेश्चन व्हेन ए प्लांट अंडरगोज सेनिसेंस द न्यूट्रिएंट्स में भी एकटेड जब प्लांट्स में सेनेसेंस होती है तो क्या न्यूट्रिएंट्स वो संभाल के रखता है बाउंड टू द सेल वॉल क्या सेल वॉल के साथ चिपक जाते हैं ट्रांसलोकेटेड क्या उनका ट्रांसपोर्ट होता है और नान ऑफ दबाव करेक्ट आंसर इज सी हमने देखा था कि जब लीव की सैनिसेंस हो रही थी तो उसने जल्दी जल्दी अपने जो मिनरल्स थे वो यंगर लीव्स को ट्रांसलोकेट कर दिए ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर इसके साथ हमारा चैप्टर इलेवेंथ फिनिश होता है आपने एन बुक की जितनी भी बैक एक्सरसाइज हैं वो अपने सॉल्व करनी है नोटबुक्स पे नोट करनी है रिवाइज़ करना है ओके वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर टिल देन स्टडी वेल लर्न वेल एंड हैव ए नाइस